Namaste, I JVN Swarnima, Assistant Professor in Faculty of Education and Methodology, Department of Science and Technology in Jayati Vidyapeeth Women's University, Jaipur. So in this session, we will discuss about the cross-section element. In the cross-section element, we will discuss about the width of pavement or carriage. In the previous session, we were discussed about the pavement surface, about the pavement surface alignment, about the pavement surface friction, unevenness, and so many. So in this session, we will continue the same topic, the cross-section element, but the different subtopic, which is width of, firstly, width of pavement or carriageway. So what is width of pavement or carriageway? It is a total width of road on which vehicles are allowed to move. The width of pavement depend on the width of traffic lane and number of lanes. Width of lane is decided based on maximum width of heavy commercial vehicle, which is legally permitted to the use of roadway. So basically, सबसे basic चीज क्या है width of pavement? अगर मैं समझना चाहूँ कि वो मेरा total width किसी भी एक road की, जिसपे क्या हो रहा है, जिसपे कि मैंने कोई भी मेरा जो vehicle है उसको allow कर रखा है move करने के लिए, जिसपे कि मेरा जो vehicle है वो क्या कर पा रहा है, move कर पा रहा है, वो पूरी width मेरी क्या कहलाएगी? width of pavement या width of carriageway कहलाएगी, ठीक है? width of pavement किस पे depend करती है कि मेरा traffic lane की width कितनी है, मेरा number of lanes कितने हैं, उस पे बहुत ज़्यादा depend करती है कि मेरी width of pavement किस तरह की होगी। अगर width of pavement, width of lane की बात करूँ, तो वो depend करता है कि maximum width of heavy commercial vehicle यानी HCV की कितनी width है, उसी के जो कि उस particular roadway पे या pavement पे या carriageway पे हम क्या कर रहे हैं, हम allow कर रहे हैं कि ये तो हमारा जो है ये move कर ही पाएगा, ये इसको हम इतना कम से कम जो मेरा heavy commercial vehicle है, ये तो वहाँ पर चलेगा, ठीक है? हमने ये माना कि मान लो सपोज कि मेरा जो बड़े ट्रक्स होते हैं, ठीक है, वो ट्रक को मैंने क्या किया, मेरे उस हाईवे पे अलाउ किया है कि हाँ ये इस हाईवे से गुजर सकते हैं, ठीक है, पास हो सकते हैं, तो मैंने, मुझे क्या पता होना चाहिए उसकी उसकी विड्थ कितनी है, उसी के बेस पे डिपेंड करता है कि मेरी जो विड्थ है किसकी लेन की वो कितनी होगी। सबसे मैक्सिमम अगर मैं मानूं तो मेरा वही एचसीवी होगा, उसकी विड्थ की पे ही डिपेंड करेगा कि मेरा क्या, मेरी विड्थ ऑफ लेन कितनी होगी, ठीक है? अब ये तो हो गया कि मेरा विड्थ ऑफ लेन किस पे डिपेंड हो रही है, मेरी मैक्सिमम जो हैवी ट्रैफिक है, एचसीवी जो है, हैवी कमर्शियल व्हीकल्स जो है उन पे ऊपर, ठीक है? साथ के साथ क्या होता है कि जो साइट क्लियरेंस है वो भी क्या करते हैं, साइट क्लियरेंस पर भी जो है विड्थ ऑफ ट्रैफिक लेन डिपेंड करती है। साइट क्लियरेंस क्या हुए, अब साइट क्लियरेंस वो चीज जो कि इम्प्रूव करते हैं, ऑपरेट करते हैं स्पीड और सेफ्टी फैक्टर्स को, ठीक है? मान लो कि मेरी कोई एक रोड है, उस पर स्पीड और सेफ्टी फैक्टर अगर मैं बात करूँ तो उसको ऑपरेट करने के लिए जो मेरे साइड में थोड़े थोड़े क्लियरेंस दिए जाते हैं उसको हम क्या, वो क्या होते हैं, हमारे थोड़ी थोड़ी जगह दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, साइट क्लियरेंस कहते हैं, ठीक है? तो ये मेरे क्या करते हैं, साइट क्लियरेंस, ये इम्प्रूव करते हैं किसी भी व्हीकल की स्पीड को ऑपरेट करने में या फिर सेफ्टी को बनाए रखने के लिए, ठीक है? अब अगर मैं बात करूं जो मैक्सिमम परमिसिबल विड्थ है किसी भी एक व्हीकल की, तो वो कितनी होती है, 2.44 होती है, ठीक है? और डिजायरेबल साइड क्लियरेंस कितना दिया होता है फॉर सिंगल लेन ट्रैफिक के लिए, 0.68 मीटर दिया होता है, ठीक है? इसके लिए क्या रिक्वायर है कि जो मेरी मिनिमम लेन विड्थ है, मान लो सपोज मेरी जो मैक्सिमम परमिसिबल विड्थ है किसी एक व्हीकल की वो 2.44 है, और जो मेरी डिजायरेबल साइड क्लियरेंस है वो कितना है सिंगल लेन ट्रैफिक के लिए, 0.68 है, तो मुझे कितना मिनिमम रिक्वायर लेन विड्थ का चाहिए, 3.75 मीटर चाहिए है किसी भी एक सिंगल लेन रोड के लिए। अगर मैं बात करूं साइड क्लियरेंस, अगर मुझे 0.53 मीटर मुझे मैं वहां पे प्रोवाइड कर रही हूं, तो दोनों साइड पे क्या होगा कि दोनों साइड पे मैं साइड क्लियरेंस दे रही हूं, तो मेरा और 1.06 मेरा क्या है, सेंटर पे है,
जबकि हम ये देते हैं तो मेरा क्या हो जाएगी, जो भी मेरी विड्थ की जो लेन की जो मेरी विड्थ है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो डिपेंड करता है कि मैं कितना साइड क्लियरेंस दे रही हूँ, मेरी विड्थ कितनी है किसी भी एक व्हीकल की। अगर मैंने जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है कि मेरी मैक्सिमम परमिशन विड्थ कितनी है 2.44 मीटर है, और डिजायरेबल साइड क्लियरेंस कितनी है सिंगल की 0.68 मीटर है, तो मेरे को कितना विड्थ चाहिए, 3.75 मीटर चाहिए किसी भी एक सिंगल लोड के लिए, ठीक है। इसी तरह अगर मैं 2 लेन रोड की बात करूं तो मिनिमम कितना चाहिए मुझे, 3.5 मीटर फॉर ईच लेन मुझे वहां पर चाहिए होगा। उसका सेंटर मुझे कितना गैप चाहिए, 1.06 मीटर का मुझे उसमें वहां पर गैप चाहिए। दैट मीन्स कि मान लो जैसे मैंने जो सिंगल लेन रोड का एग्जाम्पल दिया उसमें मैंने कहा था 0.68 मेरे पास क्या है, दोनों साइड से साइड क्लियरेंस है, और 2.44 मेरा क्या था, ये बीच में जो मेरा ये व्हीकल था उसकी मैक्सिमम परमिसेबल विड्थ थी, तो मेरी टोटल कितनी हो गई, 3.8 मीटर मेरी एक सिंगल लाइन की रोड सिंगल लेन की विड्थ हो गई, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 2 लेन्स की, तो 2 लेन्स में दोनों साइड तो मेरे को क्लियरेंस है, ये दोनों साइड मेरा साइड क्लियरेंस है, लेकिन बीच में मुझे क्या देना होगा, एक सेंटर भी देना पड़ेगा कि हाँ जिस सेंटर पे गैप कितना होगा, 1.06 मीटर होगा। अगर मैं इसको एक्चुअल लाइफ से किसी एग्जांपल से रिलेट करूँ तो हमने ये देखा है कि जब भी हमारी 2 लेन रोड होती है तो उसके बीच में गैप के लिए हम लाइन लगी होती है, एक वाइट सेंटर लाइन लगा रखी होती है, तो जो सेंटर लाइन है वो बाय डिफॉल्ट क्या कर रही है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है कि हाँ ये मेरी अगर डबल लेन 2 लेन लोड है, डबल लेन लोड है, तो ये मेरी ऑटोमेटिकली उस दोनों लेन्स को क्या कर रही है, आपस में डिवाइड कर रही है। कोई एक बाउंड्री नहीं बनी होती, लेकिन वो क्या होती है, जो सेंटर लाइन है वो ही क्या करती है, वो सेंटर विड्थ का काम करती है, और वो डिफाइन करती है कि हाँ ये मेरी क्या है, ये मेरा सेंटर है, ये दोनों अलग अलग लेन्स हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि ये तो हुआ कि मेरा ये जैसे कि ये रहा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी एक क्या है, रोड है, इस रोड का ये मेरा क्या कहलाएगा, सेंटर लेन कहलाएगा। सेंटर लेन में 2 लेन रोड 2 वे रोड है, ठीक है, 2 लेन है, ठीक है। इसका पूरा कैरिज वे कितना है, ये पूरा कैरिज वे है जिसपे वो व्हीकल चल सकते हैं, व्हीकल को अलाउ किया गया है चलने के लिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि ये बीच का क्या है, ये मेरी क्या है, सेंटर है, 1.3 का जो मैंने बात करी थी, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने कहा 3.75 का टोटल, और ये मेरा क्या है, पेमेंट एज है इस तरफ के, ये भी मेरा शोल्डर है, ठीक है, और ये मेरी क्या है, ये पूरी की पूरी मेरी क्या है, सिंगल पेमेंट लोड का जो कैरियज वे है या फिर पेमेंट की विड्थ है, ये पूरी वो विड्थ हो गई। ये जो मेरा है, ये मेरा क्या है, किसी भी एक व्हीकल की क्या हो गई, परमिसेबल विड्थ हो गई। ये मेरे क्या है, उसका साइड क्लियरेंस हो गया, ठीक है, और ये टोटल मिला के मेरा क्या बना, एक लेन की विड्थ बनी, ठीक है। इसी तरह डबल की मैंने जो मैं बात कर रही हूँ 1.1 मीटर का, यानी कि ये जो मैं बात कर रही हूँ इस डैश डैश लाइन की, जो सेंटर लाइन की बात कर रही हूँ, तो ये मेरी सेंटर लाइन का जगह हो गया, और ये मेरे दोनों सेम एज जैसे सिंगल लेन में था वैसे ही डबल लेन में भी हो गया, ठीक है। तो ये मेरा 2 लेन पेमेंट का था। जो मेरे विड्थ ऑफ कैरियज वे है, वेरियस क्लासेस के हिसाब से रोड के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग IRC यानी इंडियन रोड कांग्रेस ने क्या किया, डिफाइन कर दिया कि मेरी अगर सिंगल लेन रोड होगी तो 3.75 मीटर का कैरियज वे होगी विड्थ की, अगर मेरी 2 लेन होगी विदाउट रेज्ड कर्व तो मेरा 7 होगा, 2 लेन विद रेज्ड कर्व होगा तो 7.5 होगा, इंटरमीडिएट कैरिज वे होगा तो 5.5 होगा, और मल्टी लेन पेमेंट होगी तो 3.5 पर लेन होगा। ये मेरे IRC ने क्या कर दिया, इसको डिफाइन कर दिया कि हाँ ये इसके स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्रॉस स्लोप या फिर कैम्बर की। तो क्या है क्रॉस स्लोप या कैम्बर? क्रॉस स्लोप और कैम्बर इज स्लोप प्रोवाइडेड टू द रोड सरफेस इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन टू ड्रेन ऑफ द रेन वाटर फ्रॉम द रोड सरफेस, ठीक है। ड्रेनेज एंड डिस्पोजल ऑफ वाटर फ्रॉम द पेमेंट इज कंसिडर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। द फर्स्ट इज टू मेंटेन स्टेबिलिटी सरफेस कंडीशन एंड इंक्रीज द लाइफ ऑफ पेमेंट, सॉरी, to prevent stripping of bitumen from aggregate, to prevent slipping of vehicle running at high speed.
ठीक है, अब अगर मैं नॉर्मली अगर नॉर्मल लैंग्वेज में इस कैम्बर और क्रॉस स्लोप को डिफाइन करूँ, तो हमने पेमेंट के पेमेंट जो फर्स्ट क्रॉस स्लोप का था, पेमेंट अलाइनमेंट या पेमेंट सरफेस के बारे में हमने जब पढ़ा था, तो हमने कहा था कि जो ड्रेनेज है वो कैसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि वो जो मेरी रोड सरफेस है वो भी, वो तो क्या हो, वो इम्परमिएबल हो, साथ के साथ जो मेरा ड्रेनेज है वो उस सरफेस पर ना रहे, फटाक से उस पानी, अगर जैसे ही पानी आए तो वो वहां पानी वहां से ड्रेन आउट हो जाए। ये मैंने बात कही थी जब मैं पेमेंट सरफेस के बारे में बात कर रही थी। तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है, उसी वो चीज क्या है जिससे मेरा क्या होगा, वो जो पानी है सरफेस से ड्रेन आउट हो जाएगा, वो चीज है हमारी कैम्बर या फिर क्रॉस लूप। बेसिकली क्या होता है क्रॉस लूप, कि बीच में हमने क्या किया, फ्रॉम द मिड मैंने क्या किया, मेरी जो सरफेस थी उसको स्लाइटली अपर कर दिया इन कंपैरिजन टू द बोथ एंड साइड। ठीक है, तो वो किस तरह का हुआ, एक ट्राइंगल का शेप बन गया, जिसमें बीच में तो क्या है अपर थोड़ा स्लाइटली उसको हाइट दी गई, एंड जो साइड्स थे वो क्या करे उनको डाउनवर्ड ही रखा। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, जब भी मेरी जो भी रोड में पानी आया, या पेमेंट में पानी आया, कैरेज वे में पानी आया, ठीक है, बाय प्रेसिपिटेशन आया या किसी भी रीजन से आया, तो वो क्या होगा, तुरंत ही उस रोड के रोड को ड्रेन, उस वो रोड क्या होगी, तुरंत ही ड्रेन आउट हो जाएगी ड्यू टू दिस कैम्बर और ड्यू टू दिस क्रॉस लो। ठीक है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर मैं ये ना कराऊं तो क्या होगा, ड्रेनेज और या डिस्पोजल ना करूं मैं इस वाटर का तो क्या होगा, तो मेरी जो लाइफ ऑफ पेमेंट है वो क्या हो पाएगी, वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये बात हमने वहां पर भी करी थी, अगर मेरा ड्रेनेज नहीं हुआ, मान लो मेरा ड्रेनेज नहीं होता, वो क्या रहा, पानी सरफेस पर ही रहा, तो धीरे धीरे फॉर द टाइम आफ्टर द टाइम वो जो पेमेंट पे जो इम्परवियस जो मेरा सरफेस थी, इम्परवियस जो मेरी सरफेस थी, वो क्या हो जाएगी, वो धीरे 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 खराब हो जाएगी और वो परमिएबल हो जाएगा, जो सरफेस है वो मेरी परमिएबल हो जाएगी। अब जैसी सरफेस परमिएबल हुई तो वो पेमेंट लेयर पे गई, पेमेंट लेयर पे गई तो ऑब्वियसली बात है वो क्या हो गया, वहां पर फेलियर होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना और इसे होने से बचाना है, लाइफ ऑफ पेमेंट को मुझे इंक्रीज करना है, मेंटेन उसकी करनी है, स्टेबिलिटी सरफेस कंडीशन उसकी अच्छी रखनी है, तो मुझे क्या देना होगा, मुझे क्रॉस स्लोप देना पड़ेगा। अगर मैं बिटुमेन की स्ट्रिपिंग कैसे होगी, स्ट्रिपिंग ड्यू टू कंटिन्यूअसली कांटेक्ट विद दी वाटर, मेरी क्या होगी, बिटुमेन स्ट्रिप होने लग जाएगी उस एग्रीगेट से, जैसी वो स्ट्रिप होगी तो वो परमिएबल हो जाएगा, क्योंकि बिटुमेन लेयर क्या कर रही है, उसी उस जो सरफेस है उसको क्या बना रही है, इम्परवियस बना रही है। ठीक है, तो जैसी स्ट्रिपिंग होने लग गई एग्रीगेट्स के, तो वो क्या हो गया, उसको उसने परमिएबल बना दिया, परमिएबल बनाते वो मेरी मेरी जो पेमेंट वो क्या हो गई, फेल हो गई, तो वाटर क्या करता है, उसको स्ट्रिप करने लगता है। तो अगर मुझे उससे बचाना है तो मुझे क्या देना पड़ेगा, क्रॉस स्लोप देना पड़ेगा। सेम है स्लिपरी होने से बचाना है, व्हीकल्स को उस पर्टिकुलर जो रोड है वहां से, तो भी मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको वहां पर मुझे क्रॉस स्लोप को देना पड़ेगा। रेट ऑफ कैम्बर अगर मैं बात करूं तो यूजुअली कैसे डिजाइन करते हैं, बाय वन इन एन से। ठीक है, और मे ऑल्सो भी एक्सप्रेस एज परसेंटेज, वन इन एन मीन्स कि मेरा फॉर सपोज, अगर मैं इसे डायग्राम से समझाती हूँ, फॉर सपोज कि मेरा क्या हुआ, 1 मीटर मैं अगर ऊपर चली तो एन सॉरी एन मीटर में क्या चली, इस डायरेक्शन में चली, जो कोई पर्टिकुलर एंगल की डायरेक्शन में चली, तो 1 मीटर मेरा क्या होगा, ऊपर होगा। ठीक है, दैट मींस कि 1 in n है, यानी कि मान लो 1 in 25। ठीक है, तो यानी 25 अगर मैं ऊपर चल साइड में बढ़ती हूँ तो मेरा 1 मीटर ऊपर चढ़ेगा। अगर मेरा 25 फिर मैं फर्दर मोर आगे चलूंगी तो 2 मेरा ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज है एक्स, जो ये 1 in n है, ये मेरे एक्स और वाई जो सेक्शन है इनको डिनोट करती है कि कितना वाई बढ़ेगा जबकि एक्स इधर को बढ़ रहा है, उसको क्या करेगा, ये 1 in n डिफाइन करता है। और ये 1 in n से ही हम क्या करते हैं, हमारा जो भी क्रॉस स्लोप है उसको डिफाइन करते हैं, या फिर हम इसको सिर्फ परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो कैम्बर है वो क्या है,
वो कहाँ रिक्वायर्ड होता है, कब क्या करते हैं, कि ये डिपेंड करता है कि मेरी पेमेंट की सरफेस कैसी है और अमाउंट ऑफ रेनफॉल कैसा है. ठीक है, मान लो कि मेरी जो वहाँ का रेनफॉल है वो बहुत कम होता है, ठीक है, और वहाँ की जो पेमेंट सरफेस है वो भी मेरी ऐसी अच्छी सी है, मान लो कि बिटुमिनस की ना हो के वो किसकी है, वो सीसी रोड है. ठीक है, तो वहाँ पे डिपेंड करेगा कि किस तरह का मुझे क्या देना है, कैम्बर देना है. अगर मेरी सेम एज अगर मेरी रेनफॉल बहुत ज्यादा हैवी होता है और मेरी क्या है बिटुमिनस रोड भी है, तो भी डिपेंड करेगा कि किस तरह का और कितना कैम्बर मुझे वहां पर प्रोवाइड करना है. तो कैम्बर के लिए क्या किया, फिर से IRC ने फिक्स कर लिया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड सर्फेसिस के लिए कितना कितना कैम्बर गिवन होना चाहिए ड्यू टू देयर रेनफॉल रेंजेस. ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सीमेंट कंक्रीट एंड थिकनेस थिक बिटुमिनस सरफेस की, तो हैवी रेनफॉल होगा तो 1 in 50 और 2% का कैम्बर प्रोवाइड होगा. अगर लो रेनफॉल होगा तो 1 in 60 और 1.7% का क्या होगा कैम्बर प्रोवाइड होगा. थिन बिटुमिनस सरफेस है तो 1 in 40 और 2.5% का होगा हैवी रेनफॉल में, और लो रेनफॉल में 1 in 50 और 2% का होगा. वाटर बाउंड मकैडम और ग्रेवल पेमेंट के लिए क्या होगा, 1 in 33 और 3% हैवी रेनफॉल पे, और 1 in 40 और 2.5% लो रेनफॉल पे होगा. अर्थ रोड की बात करो तो 1 in 25 और 4% और हैवी रेनफॉल में, 1 in 33 और 3% मेरा क्या होगा लो रेनफॉल में होगा. शेप ऑफ क्रॉस स्लोप मैंने बताया किस तरह की होती है, एक इस तरह का डायग्राम होता है जिसमें क्या होता है बीच की साइड से क्या हो इन द मिड सेक्शन मेरी जो है हाइट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मेरे एंड सेक्शन की तरफ. ठीक है, तो मेरा किस तरह से होगा, एक तरह से पैराबोलिक मान लो, या फिर एक सेक्शन किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे बनाया हुआ कोई एक स्मूथ सेक्शन की तरह मान लो, तो उस तरह की मेरी क्या होती है इसकी शेप होती है. इसको 1 in n से काउंट करते हैं. अगर ये दो तरीके के हो सकते हैं, पैराबोलिक भी हो सकता है, ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. अगर जो मेरा क्रॉस स्लोप है वो तीन टाइप से मैं उसको डिजाइन कर सकती हूँ, पहला मैंने कहा पैराबोलिक, दूसरा मैंने कहा स्ट्रेट लाइन, और तीसरा मैंने कहा दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड पैराबोलिक कैम्बर. अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह का एरिया है, किस तरह का रेनफॉल है, किस तरह का पेमेंट सरफेस है, वहां पर किस तरह का हम लोग ये जो भी कैम्बर है प्रोवाइड कराएंगे. सो दीज आर द कैम्बर्स एंड क्रॉस स्लोप, कैम्बर्स ऑफ क्रॉस स्लोप एंड द विड्थ ऑफ पेमेंट सेशन. बट इफ यू इफ आई डोंट think you have any query or doubt in this session, but if you have then please mention in a comment box, I'll resolve it. This session is powered by Digital Version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.